हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रप्राइज चैनल। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक जो है वो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मतलब जो आज का विषय है वो वन्य जीव से रिलेटेड है। कई बार इससे क्वेश्चंस आएंगे, मैं हर लेक्चर में आपको ये बोलती हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या पता कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स छोड़ के मत जाना। कई बार क्या होता है कि हम वो माइनस ही चीज़ें छोड़ जाते हैं और जब वो पेपर में आती है तो हमें बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ कृपा करके आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और हर एक क्वेश्चन को ये सोच के करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तभी जाकर आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है, आज है लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी नेशनल पार्क्स मतलब राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम बोलते हैं अभयारण्य, यानी जो हमारे जीव जंतु से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये है 5 जिनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। दूसरा, कितने वन्य अभयारण्य हैं, वो है 33। तो कितने कहाँ कहाँ पे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स का नाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं और इनको याद कर लेना। तो पहले देखते हैं नेशनल पार्क्स। पहली चीज़, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में क्या फ़र्क है। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में ये फ़र्क है, जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें हम सारी चीज़ों को, फूल जानवर, प्रॉपरली कंजर्व करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। जो आपकी सेंचुरीज होती हैं वो एक खुला एरिया है जिसमें जो है पक्षी, जो जानवर हैं वो खुले उस पर घूमते रहते हैं, ठीक है। और जो नेशनल पार्क्स हैं वो जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन सेंचुरीज जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। एक डिफरेंस यही है कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनको तो हम बनाते हैं तो उसकी हम सुंदरता वगैरह पूरा देख सकते हैं, लेकिन जो सेंचुरीज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और ये जो दोनों एरियाज हैं, ये जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं क्योंकि हमें इनको बचाना है, तो ये टाइप 2 में आते हैं। अब एक चीज़ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो आपका वन्य जीव जंतु है वो 12.6% कवर्ड करता है, ये जो आपके नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हैं वो इतना कवर करता है, ठीक है। कितने पक्षी हैं, कितने जानवर हैं, ये देखते हैं। जो हमारे मैमल्स हैं उसका मैं डाटा दे रही हूँ आपको, 77 जो हैं वो मैमल्स हैं, इतनी जातियाँ हमें हमारी पाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद 463 जो हैं वो बर्ड स्पीसीज हैं, इतनी बर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। 513 जो हैं वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बाकी प्रजातियाँ। देखो स्टूडेंट्स, कई बार डाटा ऊपर नीचे हो सकता है पर बेसिकली ये डाटा है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो पहले जो थे, पहले हिमाचल में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क्स थे, कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। 3 जो हैं ये अभी रिसेंटली बने हैं, तो इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। तो इसका मतलब अब कितने हो गए हैं, 5 नेशनल पार्क्स हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में कहाँ है, ये कुल्लू में है, और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति में। तो इसका एरिया दिया गया है कि 754.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है, ठीक है। और पिन वैली जो है वो 675 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। फिर उसके बाद इंदर किला जो है वो 104 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और खीर गंगा कहाँ पे है, नेंदा किला और खीर गंगा कहाँ पे हैं, ये भी कुल्लू में है। तो इसका मतलब हमारे जो 3 नेशनल पार्क्स हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कितने नेशनल पार्क्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और आपका खीर गंगा। उसके बाद आता है सिंबलबाड़ा। सिंबलबाड़ा जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और कितना उसका एरिया, कितने उस पर फैला हुआ है, 27.88। तो आपको पहली चीज़, आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 नेशनल पार्क्स हैं। एक हमारा सुकेत में फॉसिल पार्क भी है जिसको बोलते हैं जीवाश्म,
मतलब जो पुराने हिस्टोरिकल हमें जो खोद के मिलते हैं जीवाश्म, उसका जो नेशनल पार्क है वो सुकेत में है, यानी सुकेती। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी अभयारण्य, तो वो कहाँ पे है, कितनी है, लार्जेस्ट कौन सी है एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, वो आप जब एरिया देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सबसे पहले लेते हैं बंदली, ये कहाँ पे है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और स्टूडेंट्स इसका एरिया कितना है, 32.11 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद चैल, चैल कहाँ पे है, चैल एक फेमस जो है उसमें एक ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है, तो इसका नाम आप वैसे भी याद कर सकते हो, कितना एरिया है उसका 16, और कहाँ पे है, सोलन में है। उसके बाद चंद्रताल, चंद्रताल लेक भी है, झील भी है, लेकिन चंद्रताल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और उस वो कितने एरिया में फैली हुई है, 38.56, और कहाँ पे है चंद्रताल, लाहौल स्पीति में। उसके बाद है चूरधार, चूरधार जो है वो 55.52, और कहाँ पे है, सिरमौर में है। नेक्स्ट देखते हैं दरन घाटी, वो कहाँ पे, कितना एरिया, पहले तो यही देख लीजिए, 171.5, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद है धौलाधार, धौलाधार रेंज हमारे को पता होनी चाहिए कि धौलाधार रेंज जो है वो मिड एल्टीट्यूड्स में आती है, तो वो कौन सा है आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसका एरिया जो है वो है 982.86। अब है गांगुल सिया भाई, ये जो है गांगुल भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, नाम ऐसे लिखा जाता है लेकिन इसको जैसे हिंदी में लोकल प्रोनाउंसिएशन गांगुल सेंचुरी कहाँ पे है, तो गांगुल जो है वो है चंबा में। इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गांगुल सेंचुरी या अभयारण्य कहाँ पे है, वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखते हैं हम कायस, तो कायस कहाँ है, क्या एरिया देख लो, 12.61, और कहाँ पे है, कुल्लू में है। कई बार आपको एरिया दे दिया जाएगा कि कितना स्क्वायर किलोमीटर आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, पर इसको याद करने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट्स पे जरूर फोकस करना, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स पे। उसके बाद है काला टॉप, काला टॉप कहाँ पे है, खजियार के अंदर है, और खजियार कहाँ पे है, खजियार का दूसरा नाम क्या है, मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो ये कहाँ पे फेमस है, ये कहाँ की जगह है, चंबा की जगह है, तो कितने एरिया में, मतलब कितने घेराव में ये फैला हुआ है, वो है 17.17 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है कानावर या कनवर भी बोलते हैं, तो ये जो है ये 54.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में है। दूसरा देखते हैं खोखन, खोखन जो है, खोखन भी बोलते हैं, प्लीज़ नाम प्रोनंसिएशंस जो है स्टूडेंट्स स्पेलिंग के बेसिस पे भी देखी जाती है, और लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे खोखन बोलते हैं, तो ये है 14.94 स्क्वायर किलोमीटर, और कहाँ पे है, कुल्लू। तो आपने देखा कुल्लू में जो है वो तीन अभी मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताई हैं, कायस, कनवर और खोखन, और जो आपको मैंने नेशनल पार्क्स बताए थे, तो तीन नेशनल पार्क्स जो हैं वो कुल्लू में हैं। तो इसका मतलब कुल्लू इज़ द फेमस, मतलब डेंस एरिया है फॉरेस्ट के लिए। किब्बर, किब्बर का एरिया देखो 2221.2 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, और इसकी ये क्या है, कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी इसको हम लिखते हैं लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS लिख रही हूँ मैं, यानी अभयारण्य कौन सा है, किब्बर इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि आप उसके एरिया से भी देख लीजिए। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। देखो स्टूडेंट्स पेपर दोनों लैंग्वेज में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट अभयारण्य कौन सा है, वो है आपका किब्बर। उसके बाद देखते हैं कुगती, कुगती का जो एरिया है वो है 379 स्क्वायर किलोमीटर, और कहाँ पे है, चंबा में है। फिर है लिपा असरांग, ये कहाँ पे है, ये है इसका एरिया देख लो 31, और कहाँ पे है, किन्नौर में है। फिर है मझथल, मझथल जो है उसका एरिया देखो 30.86 स्क्वायर किलोमीटर, और कहाँ पे है, वो है सोलन में।
फिर मनाली, मनाली भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे कितना एरिया है 29, और कहाँ पे है कुल्लू, तो कुल्लू में कितनी होगी 4। उसके बाद देखते हैं नारगू, नारगू जो है वो है मंडी। याद करने का तरीका बता रही हूँ स्टूडेंट्स, कई बार हमें याद नहीं होता, तो अगर हमने उसको याद कर लिया कि कुल्लू में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कुल्लू में नेशनल पार्क्स कितने हैं, ऐसे भी ट्रिक याद करें सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल रही हैं, पार्क्स मिल रहे हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हो। अभी देखो मंडी में दो आई हैं, बांदली और कौन सी आई है नारगू, जिसका एरिया जो है वो 278 स्क्वायर किलोमीटर है, और कहाँ पे है मंडी में है। पोंग डैम लेक, पोंग डैम बर्ड सेंचुरी है, तो पोंग डैम जो है वो कहाँ पे है कांगड़ा में है, और पोंग डैम का स्टूडेंट्स दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। रक्षम चितकुल ये भी कहाँ पे है, ये 304 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और कहाँ पे है किन्नौर में। फिर देखते हैं रेणुका, रेणुका तो सबको याद है रेणुका झील के नाम से, तो रेणुका का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मतलब बहुत छोटा है, और कहाँ पे है सिरमौर में है। उसके बाद देखते हैं रूपी भाभा, रूपी भाभा भी कहाँ पे है किन्नौर में है। आपको सेंचुरीज का नाम और सेंचुरीज कहाँ पे हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर कितना है एरिया उसका 503। सेचुतुआन नाला, सेचु नाला भी बोलते हैं, तो ये एक सेंचुरी है, कहाँ पे है इसको याद कर लीजिए। चंबा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, किब्बर से भी बहुत बार आता है। सेंच, सेंच भी कहाँ पे है वो है 90 स्क्वायर किलोमीटर फैला है, और कहाँ पे है कुल्लू में, तो कितनी होगी 5। और मंडी में देख लीजिए शिकारी देवी, शिकारी देवी कहाँ पे है मंडी, अगर शिकारी देवी हमें याद करना है तो ये टेंपल भी है, तो कितना स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया 29.94 स्क्वायर किलोमीटर, तो मंडी में कितनी होगी 3। उसके बाद देखते हैं शिमला वाटर कैचमेंट, ये जो शिमला वाटर कैचमेंट है ये कौन सी है, ये भी एक सेंचुरी है, कहाँ पे है शिमला में है, कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका 10। तालरा, तालरा भी बोलते हैं, तो वो कौन सी है 46.48, और कहाँ पे है शिमला में है। तीर्थन, तीर्थन भी कहाँ पे आई कुल्लू में आई, और कितना है 61। टुंडा वैली वो भी आपकी टुंडा जो है टुंडा जो है वो सेंचुरी है, और कहाँ पे है आपकी चंबा में है, और कितना एरिया उसने कवर किया है 64। नाउ नेक्स्ट देखते हैं गोबिंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोबिंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो है 170, और कितना है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है बिलासपुर में। नैना देवी, देखो ये जो दोनों नाम है ये कई चीज़ों से मेंशन करते हैं, कई बार आपको गोबिंद सागर झील के बारे में भी स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, नैना देवी के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे नाम मेंशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार दे दिया जाएगा गोबिंद सागर लेक कहाँ पे है, तो गोबिंद सागर लेक भी बिलासपुर में है, और गोबिंद सागर एक ही नाम है लेकिन उसके जो आसपास का एरिया उसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दे दिया, तो ये क्या है बिलासपुर। नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है बिलासपुर। उसके बाद है सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है कुल्लू में। अब देखते हैं शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया देखो स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितनी छोटी होगी, लेकिन कहाँ पे है सोलन में, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभयारण्य कौन सा है किब्बर, तो कई बार क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिल्ली इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है सोलन में, तो इसको मैं लिख देती हूँ स्मॉल सबसे छोटी, यानी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है और कहाँ पे है, तो कहाँ पे है सोलन में है, क्या नाम है उसका शिल्ली, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है वो है किब्बर, और कहाँ पे है लाहौल स्पीति में। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको फिर से फैक्ट्स दिए हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क यानी जीव जंतु के बारे में बताएं। आपको इससे रिलेटेड सारे कहाँ पे कौन सा सेंचुरी है या कौन सा पार्क है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना। जो हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं उस पर ज़रूर फोकस करना, और आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन ये हम बहुत माइनर आपके लिए जो कंसेप्ट पेपर में आ सकता है उसके से रिलेटेड लेकर आए हैं, तो प्लीज़ छोड़ के मत जाना। और ये मत, एक भी टॉपिक छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं एक मार्क से स्टूडेंट्स आप रह सकते हो। सो जितनी मेहनत कर सकते हो करो, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।